सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ए गाड़ी फ्री में मिलंदी आहे, ए न कपड़ो लतो, पर हाँ रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 30,000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिन, ए जिते खास करे छोकरिन जा प्रोफाइल्स सेफ ए सिक्योर्ड रख्या वेंदा आहिन। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो, थी सघे थो तव्हां जो जीवन साथी तव्हां जो इंतज़ार कंदो हुजे। रिश्तो.com, सिंधियुन जो सिंधियुन सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये कैंप आज से शुरू हुआ है, शनिवार तक चलता रहेगा, और अगर और भी पब्लिक की डिमांड रही तो ये चालू रहेगा। जैसे हमेशा की तरह हमारे आमदार जी हर किसी के लिए खड़े रहते हैं। ये अभी आयुष्मान योजना जो है 5 लाख का बीमा है, तो पहला ऐसे था कि जो सर्वे हुआ रहेगा उनको ही होगा, लेकिन कल से ही ऐसा सिस्टम हो गया कि जिसके पास राशन कार्ड आधार कार्ड है सबको ये मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि राशन कार्ड में जो एड्रेस है और आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो सेम होना चाहिए, उनका नाम करेक्ट होना चाहिए, तो ही उनको ये फ़ायदा मिल सकता है। मैं सभी से उल्लासनगर वासियों से अपील करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस योजना का लाभ उठाएँ, क्योंकि हमारे लिए ये योजना बहुत ही लाभदायक है। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है हमारे घर में, तो हमारी मोदी सरकार की तरफ से जो 5 लाख का बीमा है, हमें हमेशा ये कार्ड हमारे हाथ में रहेगा, और जहाँ पर भी हो, जहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी ये कार्ड हमें हेल्प करेगा। और जो ज़्यादा गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास सच में पैसा नहीं है, उनके लिए ये एक वरदान है। मैं उल्लासनगर वासियों से अपील करूँगी कि सभी आएँ और इस योजना का लाभ उठाएँ। दादा, है क्या आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है, इसमें 5 लाख का मेडिक्लेम मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लागू है। इसमें काफ़ी कुछ सर्जरीज, बड़ी बड़ी सर्जरीज कवरअप होती है, जिससे लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलता है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं, और ये किस प्रकार से ये कार्ड बनने के बाद प्रोसीजर होता है? सर, इसके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ, आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और आपके पास रेशन कार्ड होना चाहिए। मोबाइल नंबर से आधार कार्ड होना, लिंक होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और राशन कार्ड कितना पुराना होना चाहिए? सर, रेशन कार्ड पुराना, जो भी रेशन कार्ड धारक है सबको मिलेगा। इसके मतलब फायदे क्या क्या होते हैं? सर, फायदे इसके ये है कि आपको हर साल गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख का मेडिक्लेम मिलता है, जो बड़े बड़े सर्जरी से। राशन कार्ड पे समझो 4 जन का नाम है, तो चारों जन आना चाहिए या एक ही जन आके चलेगा? यहाँ पे KYC करने के लिए सबको लगेगा, क्योंकि हमें लाइव फोटो अपडेट करना पड़ता है। मतलब फैमिली के पूरे मेंबर्स आने चाहिए, सबको आना है। सबका अलग अलग कार्ड बनेगा? एग्जैक्ट। कैसा कार्ड बनेगा दिखाओ। सर, ये कुछ इस तरीके से कार्ड मिलेगा आपको। मतलब ये प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट दोनों ही जगह? हाँ, दोनों भी जगह। और इसमें सिर्फ सर्जरी? हाँ, सर्जरी बहुत सारी चीजें, जैसे कीमो, नहीं ओपीडी नहीं है सर, जैसे कीमोथेरेपी हो गया, डायलिसिस वगैरह, काफी कुछ इसमें कवरअप होता है। जितनी सर्जरी है सब इसमें? टोटल 1200 प्लस बीमारियां इसमें कवर होती है। सरोज कुमार मिश्रा नाम है मेरा। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सर को, जो बिना स्वार्थ के ये सब कैंप लगा रहे कर रहे नहीं तो चुनाव के टाइम भी ज़्यादा करके ये सब होता है, और गरीबों के लिए बहुत अच्छा है, जिसके पास पैसे नहीं है, हॉस्पिटल के खर्चे नहीं भर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।